डिजीज शो सर्टेन एबनॉर्मल चेंजेस इन द फंक्शनिंग In the functioning or the appearance of one or more symptoms. One or more symptoms of the body. That is called disease symptom. Okay, आपके डिजीज में क्या हुआ? जो आपकी बॉडी का नॉर्मल काम था वो हो गया चेंज, यानी आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रही, दैट गेट चेंज. And as a result of this, when the function of your body gets changed, there are some symptoms which you can see in the body. This is called your disease symptoms. Subhradeep, सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? Siddharth, Preeti, Jigyasa, is this clear? ये line clear हुई आप सभी को? Okay. And yes, like, sir. Okay बच्चों, exam जैसे कि क्या-क्या symptoms हो गए तो like आपका headache, ये common symptoms है. Headache. Coughing, loose motions, fever, etc. Okay, ये वो common symptoms हैं जो हर एक में normally आपको देखने को मिलते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन symptoms की वजह से आप exact disease का पता लगा सकते. राइट, यू कैन नॉट से कि भाई आपको फीवर आ रहा है तो आपको मलेरिया ही होगा, या फीवर आ रहा है तो डेंगू होगा. फीवर हर एक बीमारी में नॉर्मली आता है. हेडेक है तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको यहाँ पे निमोनिया हो रहा है या इन्फ्लुएंजा हो रहा है. ये कॉमन जनरल सिम्टम्स हैं जो आपको हर एक फीवर में दिखाई देते हैं, हर एक बीमारी में नजर आते. सो इन सिम्टम्स की हेल्प से आप एग्जैक्ट डिजीज का पता नहीं लगा सकते. राइट डाउन दो दीज सिम्टम्स इंडिकेट सम काइंड्स ऑफ डिजीज but do not indicate exact type of disease. ठीक है, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स हैं, ज्यादातर डिजीज में आपको ये देखने को मिलते हैं, तो आप एग्जैक्ट डिजीज का पता नहीं लगा सकते. आप एग्जैक्ट डिजीज का पता नहीं लगा सकते. अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमें इन सिम्टम्स के थ्रू एग्जैक्ट डिजीज पता नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मुझे कोई बीमारी है बेटा तो मुझे ऐसा क्या टेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे ये पर्टिकुलर डिजीज है? जिज्ञासा, सुब्रदीप, रत्नप्रिया, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, सिद्धार्थ. सर, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ना? डॉक्टर को कंसल्ट तो मैं करूंगा. ठीक है जिज्ञासा. ओके बच्चे, ओके प्रीति, सिद्धार्थ. हाँ अब आए ना तुम सही लाइन. That is right. Blood test, urine test, stool test, ये किया जाता है.
आप देखो, अगर आपको कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देता, प्रिक्वेशन एकदम से नहीं देगा, प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाइयाँ ले लो ठीक हो जाओगे। वो आपको एक चीज बोलेगा कि भाई ये टेस्ट करा लो, आपको एक कुछ टेस्ट के नाम देगा करने के लिए कि ये टेस्ट करा लो, रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं क्या है कि नहीं। यस सर। तो दैट इज बच्चों, दिस इज द कि आपने जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आप एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे बुक में ये चीज नहीं दे रखी, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि आपके जो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें 100% ये नहीं है कि भाई रिजल्ट आए ही आए। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप टेस्ट कराने गए, आप मलेरिया का टेस्ट कराने गए और 100% या टाइफाइड का टेस्ट कराने गए और 100% आपको उसमें पता चल जाए कि हाँ आपको टाइफाइड है या मलेरिया है। दिस इज नॉट, हो सकता है टेस्ट भी नेगेटिव दिखा दें बट आप बीमार हो, तो 100% श्योरिटी नहीं होती टेस्ट की। लेकिन ये है कि एज कंपेयर टू अदर्स जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, वो ज्यादा बेटर है। सो इसको हम प्रिफर करते हैं। क्लियर बात जिज्ञासा प्रीति सिद्धार्थ एंड सुबुदीप? है ना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ टाइफाइड के लिए, बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, जनरली आपकी भूख खत्म हो जाती है, थोड़ा फीवर रहता है, शरीर थका थका रहता है, यानी ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। टाइफाइड इज ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आप खाना वाना ठीक से नहीं खाते हो, भूख भूख खत्म हो जाती है बिल्कुल, और ये लंबे टाइम तक रहता है। लाइक ऐसा नहीं कि विद इन अ वीक ठीक हो गया, इसका एक पूरा 1 month 2 month का कोर्स रहता है। अब आप टेस्ट करवाने के लिए गए, ब्लड टेस्ट करवाने गए, चलो कि मुझे टाइफाइड है, मुझे पता करना है। हो सकता है कंफर्मेशन नहीं है बेटा कि टेस्ट आपको पता भी चले, टेस्ट में पता चल जाए कि हाँ आप पॉजिटिव है कि नहीं, इट इज नॉट कंफर्म। लेकिन जो अगर आपके यहाँ पे कोई एजेड डॉक्टर हो, अगर आप पर्सनली किसी एजेड डॉक्टर को जानते हो जो बहुत एजेड हो, ठीक है, और इस प्रोफेशन में काफी टाइम से हैं, अभी भी चेक करते हो पेशेंट्स को, तो आप एक चीज नोट करना, जितने भी एजेड डॉक्टर होते हैं ना, वो कभी भी ब्लड टेस्ट या आपको कोई और टेस्ट लिखने के लिए नहीं बोलेंगे जब तक कि कंडीशन वर्स ना हो। वो खुद से ही एग्जामिन करते हैं सिम्टम्स से, ठीक है। हर एक बीमारी का ना आपको बुक में ये चीज नहीं बताई जाएगी, मैं आपको ये पर्सनल अलग से बता रहा हूँ। हर एक बीमारी का बच्चों एक सिम्टम्स होते हैं, देयर आर सम काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो आपको हर एक डिजीज के अंदर नजर आते हैं। बस फर्क इतना है कि उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैम। लाइक जैसे टाइफाइड है, तो टाइफाइड में क्या होता है बच्चों, जरूरी नहीं कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ तभी पता चलेगा कि टाइफाइड है कि नहीं। टाइफाइड में आपका जो कलर होता है ना जीभ का, वो चेंज हो जाता है, आपकी जो टंग होती है उसका जो अपर सरफेस है बेटा, इट विल गेट चेंज, वो व्हाइट हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। तो आपने कभी चेकअप करवाया भी हो, जैसे आपका कभी बुखार आ गया हो, तो आपने नोट किया होगा डॉक्टर आपसे कहते हैं जीभ दिखाओ, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि जीभ दिखाओ? चेक करते हैं जीभ दिखाओ कहते हैं ऐसे, रीजन है, दिस इज अ रीजन, क्योंकि वो आपकी जीभ को देख के ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहीं टाइफाइड तो नहीं है। जीभ अगर व्हाइट हो रही है तो उनको 99% कंफर्म हो जाता है कि ये टाइफाइड है, बस 1% और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कह देते हैं कि हाँ भाई टेस्ट करा लो आप। लेकिन आपका 99% उन्होंने कंफर्म कर लिया आपको जीभ को देख के, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी जीभ का कलर चेंज हो गया। अब ऐसी फॉर एग्जांपल जॉइंटिस है, तो जॉइंटिस के लिए आपको कोई अलग से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जॉइंटिस में क्या होता है, बाइल जूस बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है आपके लिवर से, इतना ज्यादा कि आपके जो आईज होती है, आपकी स्किन जो होती है, आपके नेल जो होते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर के हो जाते हैं, दैट विल बिकम येलो, और उन्हीं येलो कलर को देख के पहचान लिया जाता है कि हाँ पर्सन को जॉइंटिस है कि नहीं। सो देयर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आल्सो, ये तो अभी आपने ऊपर क्या देखा, सिर्फ कॉमन कैरेक्टर्स देखे कि लाइक कफिंग, हेडेक, लूज मोशन, फीवर, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो दिखते हैं। लेकिन बीमारियों में उनके अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दैट, आपको बस उनको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जॉइंटिस में येलो हो गया, टाइफाइड में आपका क्या होगा, दैट इज व्हाइट हो गया जीप आपकी जो थी, तो दैट इज हाउ। तो मतलब सिम्टम्स नहीं होते ना, वो तो साइन होते हैं ना डिजीजेस के। क्या क्या फिर से बोलो। तो मतलब जैसे जॉन्डिस में बॉडी येलो हो जाना और टाइफाइड में जीव व्हाइट कलर का हो जाना, तो वो तो साइन होते हैं ना डिजीजेस के।
दैट इज साइन, दैट इज अ सिम्टम्स, इन्हीं को तो आप सिम्टम्स कह रहे हो, जो आप साइन बोल रहे हो एक्चुअल में दैट इज अ सिम्टम ऑफ योर बॉडी विच इज शोइंग। अगर आपकी कलर चेंज हो रहे हैं तो उससे आपको पता चल रहा है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, यू कैन गेट एन आइडिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिजीज हो रही है, बस आपको कंफर्मेशन टेस्ट कराना है कि हाँ भाई मैं 100% श्योर हो जाऊं कि मुझे ये बीमारी है ताकि मैं इसका ट्रीटमेंट ले सकूं। गॉट इट जिज्ञासा सर? यस सर। गुड, तो यहाँ पे देखो अब आपके क्या है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लिखना समझना इस चीज को। आपके सिम्टम्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, द सिम्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो डिजीज सिम्टम्स है बेटा दो टाइप के हैं। ये डिजीज सिम्टम्स दैट इज ऑफ टू टाइप, राइट डाउन, एक होता है ऑर्गन स्पेसिफिक, वन इज ऑर्गन स्पेसिफिक, ये यू कैन से दैट इज कॉल्ड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। और दूसरा आपका जो होता है दैट इज कॉमन मैनिफेस्टेशन, कॉमन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, यानी कॉमन सिम्टम्स, ऑर्गन स्पेसिफिक और दूसरे हैं कॉमन मैनिफेस्टेशन। अब ऑर्गन स्पेसिफिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कुछ डिजीज में क्या होता है, आपका पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है ठीक से काम नहीं करता, उसकी फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल सी चीज समझना, जैसे निमोनिया है, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल लेके चलता हूँ निमोनिया का। निमोनिया आप सभी जानते हो, यू ऑल नो वेरी वेल, नाम तो सुना ही होगा। yes, sir. बेटा निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता था, कोई बताएगा इसका नाम मुझे? यस बेटा कोई बताएगा निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? एनीवन? प्रीति, सिद्धार्थ, जिज्ञासा, सुब्रदीप, एनीवन विल प्लीज टेल मी? नो आइडिया, that is caused by streptococcus pneumonia. yes right streptococcus मतलब ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा ठीक से। सही है, सही है, यही है streptococcus pneumonia है, that is your bacteria streptococcus pneumonia है। या एक और नाम होता है इसी का, that is diplococcus pneumonia है, diplococcus pneumonia। इनके थ्रू आपका क्या होता है, ये bacteria, ये pneumonia होता था, ठीक है, इनके थ्रू होता है। अब निमोनिया में आपका जो ऑर्गन है, जिस ऑर्गन पे असर पड़ेगा वो क्या है आपका, दैट इज लंग्स। और लंग्स में भी जो असर पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, लंग्स में भी, लंग्स में असर पड़ेगा आपके, दैट इज एल्वियोलाई में। डू यू नो व्हाट इज एल्वियोलाई? कोई बात नहीं बेटा, आपके लंग्स के अंदर ना बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, इन द एंड They have a balloon-like structures. और आपका जो gaseous exchange होता है यहीं पर होता है, here gaseous exchange take place. gaseous exchange का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे,